देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क स्वास्थ्य से जुड़ी 412 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कुछ योजनाओं की आधारशिला भी रखी। योगी ने कहा, देवरिया के लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी ने काल भैरव के भी दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी वाराणसी के लंका में संत रविदास मंदिर भी पहुंचे। मत्था टेकने के बाद मंदिर में चल रहे कार्यों का लिया जायजा। यूपी बीजेपी में आज एसपी और बीएसपी के कई नेता शामिल हुए। लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जिन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया उनमें पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से विधायक रहे विजय मिश्रा, समाजवादी सरकार में मंत्री रहे जग नारायण तिवारी शामिल है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक 47% लोग मानते हैं कि यूपी में इस बार फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। 30% एसपी की जीत का दावा कर रहे हैं जबकि 7% लोग ही कांग्रेस के जीतने की उम्मीद जता रहे हैं। यूपी में सीएम योगी के कामकाज पर सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे, 41% लोगों को योगी का काम पसंद है, 37% लोग संतुष्ट नहीं। सर्वे के मुताबिक 43% लोग दोबारा योगी को सीएम बनते देखना चाहते हैं। 32% लोगों की पसंद अखिलेश यादव, मायावती को 15% और प्रियंका को 4% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने नोएडा में दावा किया है कि प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। कटारिया ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद गुंडाराज, चोरी और डकैती बंद हो गई है। यूपी के महोबा में प्रियंका की हुंकार। प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली के दौरान कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। यूपी में चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्रियों के बड़े दौरे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शोभा करांजले ने महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरदोई में अखिलेश राजभर की साझा रैली। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा भाजपाई केवल दो काम जानते हैं, एक जीप चढ़ाना, दूसरा जीप चलाना। यूपी में गठबंधन को लेकर वीआईपी के मुकेश सहनी का ऐलान, कहा निषाद पार्टी के साथ 50 सीटों पर गठबंधन करने को तैयार, बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। AIMIM के मुखिया ओवैसी आज बलरामपुर में दिखाएंगे अपना दम। दोपहर 12 बजे बलरामपुर के महुआ बाजार में जनसभा को संबोधित किया। AIMIM ने इसे शोषित वंचित समाज सम्मेलन का नाम दिया। यूपी के वाराणसी में बीजेपी किसान मोर्चा की अगुवाई में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की अगुवाई में निकाला जाएगा मार्च। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सुखबीर बादल का आरोप है कि सरकार विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के झूठे केस में फंसा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर धामी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। पंजाब के मोहाली में शिक्षकों के धरने में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, बोले शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे चन्नी सरकार। पंजाब के बरनाला में बेरोजगार शिक्षकों पर चन्नी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। एमपी के मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर करनी सेना का हंगामा, बिसाहूलाल की गाड़ी को घेरा, करनी सेना के कार्यकर्ता गिरफ्तार, मंत्री ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।